ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। चलिए रुक करेंगे चूरू का, जहां रतनगढ़ में देवस्थान मंत्री राजकुमार रेणवा ने अपने निवास पर जनसुनवाई की। रेणवा ने शहर और ग्रामीण क्षेत्र से आए दर्जनों लोगों की समस्याएं सुनी। यहां नगर पालिका में सफाई कर्मियों की भर्ती पर आभार जताते हुए मंत्री राजकुमार रेणवा का सफाई मजदूर संघ ने भव्य स्वागत भी किया। नागौर के पर्वतसर में डेला की ढाणी में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। महिला मंदबुद्धि बताई जा रही है। बारा के अंता कस्बे में लोक परिवहन बसों के चालकों की मनमानी का मामला सामने आया है। बसों के ड्राइवर बसों को सीधे हाईवे पर निकालकर ले जा रहे हैं, जिससे कि यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर के झाड़ोर क्षेत्र में उंगना के 3 दिवसीय दशमाता मेला आयोजित हो रहा है। यहां पर भांडेर वाकल सहित आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मेले में शिरकत कर रहे हैं। झालावाड़ के क्लेरा में जमीन घोटाला रजिस्ट्री करने वालों की तलाश में महाराष्ट्र पुलिस ने दलालों के ठिकानों पर छापे मारे। अजमेर के बिनाया में गर्मी शुरू होते ही क्षेत्र में पेयजल समस्या भी शुरू हो गई। यहां पर कई इलाकों में एक सप्ताह से पानी की सप्लाई नहीं हो रही। उदयपुर के कुराबड़ में पिंडोलिया गांव में कुएं में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। वहीं पीहर पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर खेरोदा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। बारा के छपरा में बमोरा गांव की किशोरी को गांव के युवक पर भगाकर ले जाने का मामला सामने आया है। किशोरी के परिजनों ने नामजद मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बारा के छपरा में वार्डवासियों ने जलदाय सहायक अभियंता को ज्ञापन देकर गंदा और कम मात्रा में पानी आने की शिकायत की है। साथ ही व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाई है। बारा के छपरा में विद्युत कार्य करते वक्त करंट से झुलसे युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। गुगोर गांव में झुलसे इस युवक ने कोटा के चिकित्सालय में आखिरी सांस ली। भीलवाड़ा के सहाड़ा में 20 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहे गंगापुर स्पिनफेड श्रमिकों का अनशन खत्म हो गया है। विधायक डॉक्टर बीआर चौधरी ने जूस पिलाकर यह अनशन तोड़वाया। नागौर के पर्वतसर क्षेत्र में बिजली विभाग ने बकाया वसूली को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अब बकाया जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। बकाया की वसूली के लिए विद्युत विभाग की टीम घर घर जाकर वसूली कर रही है। बाड़मेर के समदड़ी में अटल सेवा केंद्र में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा दिव्यांगों के चिन्हीकरण के लिए शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें चिन्हित दिव्यांगों को आगामी शिविर में उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीकर के श्री माधोपुर में कंचनपुर में बन रहे गौरव पथ निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने विरोध कर कार्य रुकवा दिया। साथ ही नाली निर्माण और गौरव पथ को सही ढंग से बनाने की मांग को लेकर विरोध किया गया। सीकर के श्री माधोपुर में लिसाड़िया में बहादुर सिंह की ढाणी में झूलते बिजली की तारों के बीच चारे से भरी पिकअप फंस गई। गनीमत रही की विद्युत आपूर्ति बंद होने के कारण बड़ा हादसा टल गया। वही ग्रामीणों ने झूलते तारों को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीकर के अजीतगढ़ में भारतीय नववर्ष आयोजन समिति की बैठक आयोजित हुई। नव संवत्सर के आयोजन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। यहां बताया गया कि नव संवत्सर हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। साथ ही 18 मार्च को विशाल भगवा बाइक रैली का आयोजन होगा। सीकर के अजीतगढ़ में लिसाड़िया गांव के पकौड़ी ढाणी में झूल रहे हाईटेंशन लाइन के तार बोरवेल मशीन में अटक गए। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने विद्युत निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के गलियाकोट में चित्री थाना क्षेत्र के लिम्बड़िया मोड़ पर एक व्यक्ति को 10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बारा के अंता में निहारन लोकोत्सव के दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकाली गई। इसमें घोड़ों पर उमराव गाड़िया लोहार मनमोहन माता जी की झांकी ऊंट पर बैठे हुए सेठ सेठानी आधी स्वांग अपने कर्तव्य दिखाते हुए चल रहे थे। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बूंदी के केशवराय पाटन में मेगा हाईवे पर भवानीपुरा गांव में बाइक और पिकअप की टक्कर में बाइक सवार घायल हो गया, जिसे कोटा रेफर किया गया। बूंदी के केशवराय पाटन में बंद पड़ी सहकारी शुगर मिल को वापस शुरू करने की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। किसान यहां पर शुगर मिल के गेट पर ही धरना दे रहे हैं। जालौर के सायलाव में उम्मीदाबाद गांव में डिस्कॉम की ओर से लगाए गए बिजली के ट्रांसफार्मर झाड़ियों से घिरा रहने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तेज हवाएं चलने के कारण ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकलने लगती है। वहीं सुरक्षा जाली नहीं होने से पशुओं के बिजली की चपेट में आने की भी संभावना बनी रहती है। जालौर के जसनपुरा ब्लॉक की ग्राम सेवा सहकारी समितियां कम मिनी बैंक अभी तक डिजिटल नहीं हो पाई है। मिनी बैंक समितियों का न तो कंप्यूटरीकरण हुआ और न ही संसाधन मिल पाए हैं। अधिकांश व्यवस्थापक भी डिजिटल के नाम के मामले में प्रशिक्षित नहीं होने से प्रधानमंत्री और सरकार के डिजिटल होने के दावे की धरातल पर पोल खुल रहे हैं। जालौर के सांचौर में पंचायती राज के अधीन विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगाए गए पंचायत सहायकों को 5 महीने से मानदेय का इंतजार है। विभाग के अनुसार पंचायत सहायकों को मानदेय ग्राम पंचायत की ओर से देने का प्रावधान है। वहीं वेतन को लेकर पंचायत सहायकों को पंचायती राज विभाग तो कभी शिक्षा विभाग को अपनी पीड़ा सुना रहे हैं।
जालौर के भीनवाल में देशभर में चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान में स्थानीय प्रशासन की ढिलाई के चलते कई जगहों पर धज्जियां उड़ रही है। स्थानीय जाकोबा तालाब के पास शिमकारी माता मंदिर जाने वाले मार्ग पर खाली भूखंडों में लोग खुले में शौच जा रहे हैं। आपको बता दें कि भीनवाल नगर पालिका के वार्ड 9 और 10 को ODF घोषित कर रखा है। जालौर के अहोर में मायलावास गांव में स्वच्छ भारत अभियान के तहत निर्मित किए गए शौचालयों की सरकारी अनुदान राशि का भुगतान और पेयजल सुविधा बहाल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को पत्र लिखा है। अरवल के गोविंदगढ़ में जालू की मार्ग बंद होने के कारण राहगीरों को इस रास्ते पर भारी परेशानी हो रही थी। भीलवाड़ा के रायला में नेडा थाने के जोरावरपुरा गांव में खेत और बाड़े में लगी आग से 2 गाड़ी चारा जलकर खाक हो गए। ग्रामीणों ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन वे असफल रहे। वहीं दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के रामगढ़ में शीतल गांव के मेरी माता क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। चूरू के रतनगढ़ के गोलसर गांव में ग्रामीण चौपाल का आयोजन हुआ जिसमें कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया, जिस पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया। विरोध के चलते कलेक्टर और अधिकारी नाराज होकर चले गए। चूरू के रतनगढ़ में कलेक्टर ललित गुप्ता ने उप कारागृह का निरीक्षण किया और यहां पर कैदियों की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने यहां पर क्षमता से अधिक कैदियों को रखे जाने पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कैदियों से भी जानकारी ली। अलवर के थाना गाजी में सरिस्का अभ्यारण्य में वन अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ है। विभाग की तलाश में दोषियों से जुटे हुए हैं। मामले को लेकर कई वन अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। चलिए खबर पंचायत में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से, जहां पर एक निजी स्कूल में विधिक साक्षरता शिविर लगाकर लोगों को कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही पॉलिथीन रोकथाम, जल संरक्षण और कानूनी जानकारी को लेकर शपथ भी दिलाई गई। अलवर के रामगढ़ कस्बे में पेयजल समस्या को लेकर सहायक अभियंता ऑफिस के बाहर ग्रामीणों ने नारेबाजी की। कस्बे में करीब 1 महीने से 3 वार्ड्स में पानी की समस्या बनी हुई है। जल विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से पानी की किल्लत चल रही है। वहीं ग्रामीणों ने 15 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर कार्यालय के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ में पिकअप की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में झुंझुनू अस्पताल में रेफर किया गया। राजसमंद के आमेट में अखिल भारतीय अणुव्रत महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार संचेती, उपाध्यक्ष निर्मल कुमार भंसाली, संगठन महामंत्री प्रकाश भंसाली संगठन यात्रा के तहत आमेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने तुलसी अमृत विद्यापीठ का अवलोकन करते हुए छात्र छात्राओं को प्रामाणिकता रखते हुए अपने लक्ष्य साधने की प्रेरणा दी। राजसमंद के आमेट में ब्लॉक किसान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बक्सीराम देवासी ने यहां कजोड़ीवल जाट को ग्राम पंचायत, सरदारगढ़ कन्हैयालाल गुजर को दोबड़ा, केशु गुजर को आईडाणा ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। बक्सीराम रेवारी को जैतपुरा, भंवरलाल गुजर को सियाणा, पोखरलाल कुमावत को आगरिया और हरदेव गुजर को घोसुंडी ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। बूंदी के कापरेन में चंबल नदी में युवक के डूबने का मामला सामने आया है। गोताखोरों की रेस्क्यू टीम को सामरा गांव के थाक के पास नदी में तैरता हुआ उसका शव मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी के नैनवा क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से व्यापारिक उपयोग हो रहा है। यहां पर खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर में वाहनों में रिफिलिंग की जा रही है, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं आला अधिकारियों ने मामले पर चुप्पी साध रखी है। बारा के छबड़ा कस्बे में अवैध खनन पर अंकुश लगाने में प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है। इस कारण क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर अब खतरे में है। वहीं प्रशासन पूरी तरह से बेखबर है। बारा के अंत में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र में पंजाबी धर्मशाला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले नगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देती वाहन रैली निकाली गई, जो कि विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। बारा के अंत में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आफाक अहमद खान ने विकलांगों को मुख्यधारा में शामिल करने की कवायद करते हुए
4% आरक्षण दिए जाने की सरकार से मांग की है। भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना सर्किल के कोटड़ी गांव में कृषि कार्य के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। चना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में सनोदिया गांव में एक बालिका के हौसले को हर कोई नमन कर रहा है। 12वीं कक्षा के छात्र ने बीमार पिता के उपचार के दौरान मौत के बाद अंतिम संस्कार के दिन बोर्ड परीक्षा देकर हौसले की मिसाल पेश की है। नागौर के मकराना में राजकीय चिकित्सालय का SDM ने निरीक्षण किया। इस दौरान एक चिकित्सक अनुपस्थित मिला। साथ ही प्रसव के लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। SDM ने बताया कि अस्पताल की व्यवस्था में लापरवाही बरती तो आरोपी पर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के शेरगढ़ ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन नहीं हो पाया है। सरपंच और ग्राम सेवकों ने ग्राम सभा का बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची का अनुमोदन नहीं हो पाया। उदयपुर के कुराबर थाना क्षेत्र के भूतिया गांव में रेती से भरा ट्रैक्टर पलट गया। यह हादसा रास्ते में मोड़ पर तेज गति के कारण हुआ। रणीमत रही के हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सीकर के अजीतगढ़ में सामरपुरा तमरान में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां सैकड़ों लोग सहायक अभियंता कार्यालय अजीतगढ़ पहुंचे। इस दौरान सहायक अभियंता को जमकर खरीखोटी सुनाई। क्षेत्र के पेयजल स्रोत नकारा हो चुके हैं। सूचना पर थाना प्रभारी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया। सीकर के अजीतगढ़ में सीकर मिनरल ग्राइंडिंग लघु उद्योग संघ ने रैली निकालकर कच्चा माल राज्य के बाहर जाने का विरोध जताया। अजीतगढ़ रिको औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में फैक्ट्री मालिकों मजदूरों ने रैली निकाली। सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश जताया। साथ ही खनन मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह के नाम ज्ञापन सौंपा। राजसमंद के आमेट में सरदारगढ़ के धोली बावड़ी पर दशा माता पूजन के दौरान महिलाओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इससे करीब 2 दर्जन महिलाएं घायल हो गई। इनमें से 2 महिलाओं को आमेट CHC रेफर किया गया। बाड़मेर की सुंदरी में कर्मावास गांव के रामदेवरा मंदिर को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। चोर यहां से दान पेटी से नकदी चोरी कर ले गए। चोरी के वारदात CCTV में कैद हो गई। सूचना के बाद सुंदरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। लगातार हो रही चोरियों के कारण ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। बारा के छबड़ा में जेल में बंद बंदी को अफीम देने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। बूंदी के केशोराय पाटन में दशकों से बंद पड़ी सहकारी शुगर मिल को वापस चलाने की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। गन्ना उत्पादक अंशधारी किसान समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। ये किसान कल शुगर मिल गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। नागौर के मेड़ता सिटी में ग्राम छोटी खाटू में बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी और इस दौरान पूरा स्कूली स्टाफ और परिजन मौजूद रहे। दुगलपुर के जौसी में पंचायत समिति सभागार ब्लॉक के कार्मिकों का आवास प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यहाँ PM आवास योजना के अधूरे काम पूर्ण करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। दुगलपुर के जौसी में करावड़ा कस्बे में आरिका रत्न सौभाग्यवती माता जी का सत्संग मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान पाडली गुजरेश्वर की बड़ी संख्या में जन समुदाय को लोगों ने अगुवाई की। भरतपुर के भुसावर में ग्राम पंचायत कमालपुरा के गांव उलू गांव में 52 बीघा सरकारी वन चौराहा अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया। अतिक्रमणियों द्वारा चौराहा पर गेहूं और सरसों की फसलें उगाई जा रही हैं। ग्रामीण अतिक्रमण हटाने की मांग कर चुके हैं, उसके बाद भी प्रशासन के अधिकारी अतिक्रमणियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के संदेरे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने की सोच के साथ ही कस्बे के वार्ड 2 की पूर्व पार्षद पम्बी देवी ने अनूठी पहल की है। पूर्व पार्षद पम्मी व धर्मपाल सोलंकी की बेटी रजनी की शादी से एक दिन पहले बेटी को रथ पर बिठाकर यह संदेश दिया गया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने सरकारी स्कूल्स में मंत्रालय कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने की मांग सरकार से की है। चलिए खबर पंचायत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।